ओजोनोलिसिस रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं राइट नंबर वन होता है रिएक्शन विथ ओजोन रिएक्शन विथ ओजोन रिएक्शन विथ ओजोन को हम रिफर यूज uh, करेंगे एज प्रिपरेशन ऑफ ओजोनाइड प्रिपरेशन ऑफ ओजोनाइड और उसके बाद उसका सेकेंड पार्ट होता है हाइड्रोलिसिस पार्ट ओके दैट इज डी ऑफ ओजोनाइड हाइड्रोलिसिस ऑफ ओजोनाइड और डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोनाइड और दोनों स्टेप का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है दैट द कार्बोनिल कंपाउंड ध्यान से देखो दैट इज एन एल्कि में ये डबल बॉन्ड है एंड रेस्ट ऑफ द प्लेसेस अदर ग्रुप्स आर अटैच सो ग्रुप इज वन कार्बन देर इज अनदर कार्बन एंड देन वी रिएक्टेड विथ ओजोन ओ थ्री इन प्रेजेंस ऑफ सॉरी एट वेरी लो टेम्परेचर अराउंड वन नाइंटी सिक्स एलविन टेम्परेचर तो ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है ओजोनाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है डबल बॉन्ड को रिमूव कर दो ये आपके पास कार्बन आइटम्स है यहां जो डबल बॉन्ड था वो हमने रिमूव कर दिया उसकी जगह पे एक ओजोन अटैच हो जाएगा ओजोन मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा दैट इज वन ऑक्सीजन second oxygen and third oxygen okay this is one this is two and this is three okay this is called ozonide ozonide is very very unstable product ये जो ओवरऑल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ये बहुत अनस्टेबल है ठीक है तो ये ओजोनाइड को जब हम वाटर से रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक तो क्या होगा आई एम टेकिंग ओजोनाइट अगेन और इस ओजोनाइट को हमने रिएक्ट किया विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक दिस इज कॉल्ड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, टिव ओजोनोलिसिसके टेल यू व्हाई इट इज बीन कॉल्ड एज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस वेल तो क्या होगा ये देखो एक हट बना, बना हुआ है यहां है, ठीक है और ये वाटर, यानी फ्लड आया फ्लड आया तो हट ब्रेक हो जाएगा फ्लड आया तो हट कैसे ब्रेक होगा यहां से इसको ब्रेक कर दो ठीक है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया और ये बॉन्ड भी ब्रेक हो गया सी दिस दिस बॉन्ड विल ब्रेक दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड दिस बॉन्ड विल ब्रेक अभी विबन का वैलेंसी कंप्लीट नहीं है वन टू थ्री तीन ही बॉन्ड है फोर्थ बॉन्ड बन गया यहां पे भी वन टू थ्री तीन बॉन्ड है ये फोर्थ बॉन्ड बन गया व्हाट अबाउट दिस ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाएगा एच टू ओ टू एच टू ओ प्लस ओ क्या बनाएगा एच टू ओ टू और एच टू ओ टू जिंक के साथ रिएक्ट करके बना देगा एच टू ओ प्लस जिंक ऑक्साइड तो फाइनली बाय प्रोडक्ट हो गया माइनस जिंक ऑक्साइड ओके तो ये पूरा ओजोनोलिसिस रिएक्शन है अब इस पूरे ओजोनोलिसिस रिएक्शन को हम थोड़ा कट uh, शॉर्ट कर देते हैं इसका एक ट्रिक बना देते हैं क्या ट्रिक बनाया सी अल्टीमेटली इफ यू कंपेयर द फर्स्ट एंड द लास्ट फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करो क्या हो रहा है यहां डबल बॉन्ड है यहां पे आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड चला गया इसकी जगह आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो सिंपल ट्रिक हो गई डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो जो भी रिएक्टेंट आपको दिया हुआ है आप उसमें सिंपली डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो और ऑक्सीजन एड कर दो चलो एग्जाम्पल देखते हैं ठीक है सो आई एम टेकिंग वन टर्मिनल एल्कीन टर्मिनल एल्कीन जैसे आई हैव टेकन आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू टर्मिनल का मतलब एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन आफ्टर दैट देर इज नो कार्बन चेन एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन देर इज अ डबल बॉन्ड और ऐसा ही एक और टर्मिनल एल्कीन ले लेते हैं आर सी एच डबल बॉन्ड और आर आर वन सी आर टू डबल बॉन्ड सी एच टू दो तो ले लिए मैंने टर्मिनल एल्किन ठीक है अब हम लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट इस टर्मिनल एल्किन के बाद हम एक एल्किन लेते हैं सिमेट्रिक एलकीन. सिमेट्रिक एल्किन जैसे सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच थ्री On the both the side of structure, both the side of double bond, the number of carbon atoms are same. Okay, ek lete. CH3 C, CH3 double bond C, CH3 bond CH3. Okay, so these are the reactants we have taken. अब इनसे प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने रिएक्टेंट की स्ट्रक्चर को एज इट इज कॉपी कर दिया ठीक है टू मेक द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन डायरेक्ट ट्रिक से प्रोडक्ट बनाएंगे तो मैंने रिएक्टेंट स्ट्रक्चर को एज इट इज कॉपी कर दिया okay? की दो स्टेप होती हैं, स्टेप नंबर वन रिएक्शन विथ ओजोन रिएक्शन विथ ओजोन एट वन नाइंटी सिक्स कैलविन टेम्परेचर फॉलोड बाय हाइड्रोलिस इन प्रजेंस ऑफ जिंक ओके सो यही कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं एवरी टाइम वेन वी आर डूइंग द ओजोनोलिस वी आर यूजिंग द सेम कंडीशन ओके okay? अब ट्रिक आपको पता है ट्रिक क्या है डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो वॉट इज द ट्रिक डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो तो पॉज द वीडियो एंड मेक द प्रोडक्ट ऑन योर ओन ओके उसके बाद में चेक करना तो so, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो ডাবল বোন্ড তোড়ো ও যড়ো নেক্সট ডবল বোন্ড তোড়ো ও যড়ো নেক্সট ডাবল বোন্ড তোড়ো ও যড়ো ट द प्रोडक्ट नाउ वॉट प्रोडक्ट इज दिस सी एच टू डबल बॉन्डो दैट मीन्स दिस इज फॉर्मेलिटी हाइट ओके तो हमें एक प्रोडक्ट मिला फॉर्मेलिटी हाइट फॉर्मेलिटी हाइट और दूसरा प्रोडक्ट मिला हायर एल डी हाइट यहां हमें एक प्रोडक्ट मिला फॉर्मैलिटी हाइट और यहां पे हमें एक प्रोडक्ट मिला कीटोन सो राइट ऑन द स्टेटमेंट टर्मिनल एल्कीन टर्मिनल एल्कीन ऑन ओजोनोलिस टर्मिनल एल्कीन ऑन ओजोरोसिस

एक मिला फॉर्मेलिटी दूसरा मिला हायर एलडी हाइट यहां एक मिला फॉर्मैलिटी और दूसरा मिला कीटोन तो राइट ऑन द नेक्स्ट स्टेटमेंट एसेमेट्रिक एल्किन ऑन ओजोनोलिस एसेमेट्रिक एल्किन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स, एसेमेट्रिक एल्किन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स।

ओके बेंजीन का ओजोनोलिसिस करते हैं किसका ओजोनोलिसिस करते हैं बेंजीन का सो दिस इज बेंजीन सिक्स मेंबर रिंग हैविंग डबल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन ओके सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन

पहले ओजोनाइट फॉर्मेशन होगा फिर उस ओजोनाइट का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे बाय प्रोडक्ट होगा जिंक ऑक्साइड सी नाउ व्हाट विल हैपन हमारा लॉजिक क्लियर है डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो ओके okay? ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया यहां से भी एक डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया यहां से भी एक डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया डबल बॉन्ड तोड़ो और जोड़ो तो यहां पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा देंगे यहां पे भी एक डबल बॉन्ड ब्रेक किया था तो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा देंगे यहां पे भी एक डबल बॉन्ड ब्रेक किया था तो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा देंगे ओके okay. ये स्ट्रक्चर कैसा बन गया दिस स्ट्रक्चर एनी ऑफ दिस स्ट्रक्चर यू टेक दिस बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर है आपके पास ओके okay. तो so, दिस इज द स्ट्रक्चर टू कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन उसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अब कार्बन की एक वैलेंसी कंप्लीट नहीं है बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर में कार्बन की एक वैलेंसी कंप्लीट नहीं है इसका मतलब वहां पर क्या प्रेजेंट है इड्रोजन क्योंकि बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर में हम हाइड्रोजन शो नहीं करते तो so, हमें मिल गया वन टू थ्री थ्री मोल्स ऑफ सी एच ओ बी एच ओ कॉमन नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट राइट व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट कॉमन नेम ऑफ प्रोडक्ट इज क्लाय दिस इज क्लायोगल and ethane 1 2 di l that will be the product so 2 more 3 moles of glyoxyl or uh, ethane 1 2 di l will be formed so this is about the ozonolysis reaction